Hello students, myself Dr. Richa Chaudhary, and today we will discuss the topic insect pest of groundnut under the course pest of crops and stored grains and their management. This is the list of insect pest of groundnut. We are going to discuss aphid, that is Aphis craxivora, leaf miner, that is Aproerima modicella, and white grub, that is either Holotrichia pansengonia or Holotrichia serrata. First of all, we are discussing aphids. Scientific name, Aphis craxivora, family Aphidae and order Hemiptera. Identification कैसे करेंगे? Nymphs and adults जो है वो लाल कलर का, reddish कलर का दिखाई देता है, reddish to dark brown कलर का दिखाई देता है और colony में रहता है. Symptoms की अगर हम बात करें तो wilting होती है tender shoots की hot weather के दौरान, stunting and distortion होता है foliage पर stem का, और ये हनीड्यू एक्सक्रीट करते हैं जिससे कि सूटी मोल्ड्स में डेवलप हो जाता है और ब्लैक कोटिंग दिखाई देती है लीफ के ऊपर में. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये एज अ वेक्टर काम करता है. और कौन से डिसीज़ का वेक्टर है? पीनट स्ट्राइक वायरस और ग्राउंडनट रोजेट वायरस. जब भी हम कभी किसी भी सकिंग पेस्ट की बात करते हैं तो हम पहले भी इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे फील करता है. प्लांट सैप को सक करता है, मतलब यह पौधे के रस को चूस कर जो है फीड करता है. अब कहाँ पर कर सकता है? ये लीव्स में कर सकता है, शूट्स में कर सकता है, जितने भी टेंडर मतलब कोमल जो पार्ट है उसके जहाँ पर रस मौजूद होगा वहाँ से ये रस को चूस कर जो है अपने लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाएगा. तो रस को चूस लेगा तो क्या हो जाएगा? सबसे पहला जो सिम्टम क्रिएट होता है वो तो येलोइंग होती है, क्योंकि जैसे ही उसका रस चला जाएगा उसमें जो है उसका जो ग्रीननेस है, जो क्लोरोफिल कंटेंट है वो कम होने लगता है. तो सबसे पहले तो येलोइंग दिखने लगती है. फिर धीरे धीरे जब पौधा सूखने लगता है, जब पूरा सूखता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग विल्टिंग बोलते हैं. और जब विल्टिंग हो जाती है तो अल्टीमेटली स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ जो है चेक हो जाता है, रुक जाता है और पौधे का डेथ हो जाता है. और जब कभी हम एफिड की बात कर रहे हैं तो पत्तियों में अगर वो रस चूस रहा है तो पत्तियाँ जो है वो नीचे की ओर मुड़ेंगी, डाउनवर्ड कर्लिंग होता है एफिड के केस में. और चूंकि ये सकिंग पेस्ट है तो एक अपने जो पियर्सिंग एंड सकिंग जो इसका माउथ पार्ट है उसको वो पियर्स करेगा, और पियर्स करके जो है एक पौधे में पियर्स करेगा, उसके बाद फिर दूसरे पौधे में जाता है. तो उस पौधे में जो भी वायरस प्रेजेंट है उस वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसमिट करता है. तो ये जो एफिस क्रैक्सिवोरा है वो मेनली ग्राउंडनट में पीनट स्ट्राइक वायरस और ग्राउंडनट रोजेट वायरस जो है उसका उसके वेक्टर के रूप में काम करता है. ये जो है आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, येलोइंग दिखाई दे रही है और थोड़ी क्रिंकलिंग दिखाई दे रही है. ये जो तीसरे नंबर का फोटोग्राफ्स है उसमें एफिस क्रैक्सिवोरा कैसे, अभी हमने देखा कि कॉलोनीज के फॉर्म में रहता है, बहुत सारे झुंड में रहता है, बहुत सारे एक साथ प्रेजेंट रहते हैं, तो ये हमको दिखाई दे रहा है. और बैठने का पॉस्चर जो है हमेशा ऊपर की तरफ उसका सिर रहेगा और नीचे रहेगा, इसी तरीके से आपको बैठा हुआ ही दिखाई देगा, पॉस्चर भी कन्फर्म है. फिर हम लोग इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? मैनेज करना है तो सबसे बढ़िया तरीका तो हो सकता है कि आप रेजिस्टेंट वेराइटी लगा लिए. रेजिस्टेंट वेराइटी वो भी ये वायरस रेजिस्टेंट रोजेट रेजिस्टेंट वेराइटी है, सैमनर 22 एंड सैमनर 23, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. फिर सबसे ज़्यादा जो है हमको ख्याल रखना है कि हम हेल्दी सीड्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सीड्स जो है वो पहले से वायरस इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और अगर वायरस इन्फेक्टेड होंगे पहले से तो वेक्टर जो है एक से दूसरे आएगा ही आएगा और एक से दूसरे प्लांट में उसको ट्रांसमिट करेगा ही. तो हम लोगों को साफ़ सुथरे जो है क्लीन सीड्स और हेल्दी सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए. उसके बाद दूसरी चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग समय से पहले उसकी प्लांटिंग कर दें. अर्ली प्लांटिंग हम लोग करें, कब करना चाहिए? अप्रैल के दूसरे सप्ताह में, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में, या फिर मई के दूसरे सप्ताह में, तब जो है हमको इसकी प्लांटिंग जो है वो कर लेनी चाहिए, जिससे कि हम जो है इसको रोक सकते हैं. दूसरे क्रॉप के रूप में ले रहे हैं तो सितंबर के पहले वीक से पहले क्रॉपिंग कर दें. ये ऐसा करने से क्या होगा कि फ्लावरिंग होने से पहले ही एफिड आ जाएगा और फिर वो उसको अटैक नहीं कर पाएगा. और क्या चीज़ कर सकते हैं? स्पेसिंग जो है 15 to 20 सेंटीमीटर स्पेसिंग ले सकते हैं. इंटरक्रॉपिंग हम किसी भी सीरियल्स
के साथ कर सकते हैं, मेज या किसी भी दूसरे सीरियल्स के साथ करते हैं। जो भी प्लांट उसके अल्टरनेट होस्ट के रूप में काम करता है, कोलैटरल होस्ट के रूप में काम करता है, उसको हमको बिल्कुल हटा देना चाहिए। और इसके बाद भी जो है अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो कुछ इंसेक्टिसाइड्स हम डाल सकते हैं, क्लोरपाइरीफॉस डाल सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड डाल सकते हैं, मिथाइल डिमेटॉन डाल सकते हैं 100 ml पर हेक्टेयर। तो ये वो भी बात एफिड की। दूसरा जो हमारा पेस्ट है वो है ग्राउंडनट लीफ माइनर, नेम इज अप्रोअरिमा मॉर्टिसेला, गैलीचीडी फैमिली से बिलोंग करता है, लेपिडोप्टेरा। अगर हम लोग आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो एग जो है इसका शाइनी वाइट कलर का होता है, सिंगली एग लेइंग करता है और लीफलेट्स के नीचे अंडर साइड में ये एग लेइंग करता है। लार्वा जो है उसका ग्रीन कलर का होता है और डार्क कलर का उसका हेड होता है, प्रोथोराक्स होता है। एडल्ट जो है वो ब्राउनिश कलर का मॉथ है, 6 mm लॉन्ग होता है, 10 mm का विंग स्पैन होता है और जो फोर विंग्स है वो वाइट स्पॉट्स होते हैं उसके कोस्टल मार्जिन में। सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो यंग लार्वा जो है इनिशियली, चूंकि नाम से ही समझ में आ रहा है लीफ माइनर जो है माइनिंग करता है, ये माइनिंग कहाँ कहाँ पे करेगा, लीफलेट्स में करता है, मीजोफिल में करता है और ब्लॉचेस मतलब जला हुआ जैसा सिम्टम्स दिखाई देता है। और कुछ समय के बाद जो है वेबिंग लार्वा जो है वो वेबिंग करने लगता है और फोल्ड्स क्रिएट करता है और बर्न्स जैसा सिम्टम्स आपको दिखाई देता है। मतलब जब कभी भी ग्राउंडनट लीफ माइनर का अटैक होगा तो आप दूर से जब देखेंगे फील्ड को तो आपको बर्न्ट अपीयरेंस आएगा, ऐसा लगेगा कि खेत जो है वो जला हुआ है। दो चीज़ें होती है, जब रेड हेयरी कैटरपिलर का अटैक होता है तो ग्रेज्ड सिम्टम दिखाई देता है, ऐसा लगता है किसी जानवर ने चर दिया है, और जब ग्राउंडनट में लीफ माइनर का अटैक होता है तो दूर से देखने पर लगता है बर्न्ट अपीयरेंस आता है, जले हुए जैसा अपीयरेंस आता है। ये फिर अपन हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। 2 to 3 days का एक पीरियड होता है, लार्वा जो है 4 to 17 days का होता है, प्यूपा जो है वो 5 to 7 days का होता है और 5 to 6 days में एडल्ट जो है वो एग लेइंग करने के लिए तैयार हो जाता है। ये जो है सिम्टम्स है लीफ माइनर के, देखिए बिल्कुल बर्न्ड सिम्टम्स जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम्स है लीफ माइनर के। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट की। ETL जो है एक लार्वा जो है 1 meter के रूम में एक लार्वा दिखाई दे तो हमको इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देना चाहिए या किसी भी तरीके का मैनेजमेंट प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या क्या हम लोग मैनेज कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वैरायटी जो है हम लोग को ग्रो करनी चाहिए। ये कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी के नाम है, ICGB 86031, ICGS 156, FDRS 10, ICG 57, इस तरीके से आप कुछ रेजिस्टेंट कल्टीवार्स को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा अर्ली सोइंग करनी चाहिए ग्राउंडनट की। दूसरा फिर है कि इंटरक्रॉपिंग हम कर सकते हैं पर्ल मिलेट के साथ 4:1 के रेशियो में, लाइट ट्रैप्स लगाएं मॉनिटरिंग करने के लिए, फिर मल्चिंग कर सकते हैं। और वाटर स्ट्रेस जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर स्ट्रेस जो है होगा, वाटर स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए पेस्ट इन्फेस्टेशन को अवॉइड करने के लिए। बर्न्स को मेंटेन करना चाहिए ताकि वो एक फील्ड से दूसरे फील्ड में माइग्रेट ना कर पाए। उसके अलावा हम कुछ इंसेक्टिसाइड्स डाल सकते हैं जैसे डाइमिथियोएट, मेलाथियन, मिथाइल डिमेटॉन। तो ये हो गई बात लीफ ग्राउंडनट लीफ माइनर अप्रोअरिमा मॉर्टिसेला। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पेस्ट है वाइट जो ग्राउंडनट का वो है वाइट ग्रब, दैट इज होलोट्रिचिया कॉन्सनवीलिया एंड होलोट्रिचिया सेराटा विच इज बिलोंग्स टू मेलोलॉन्थिडी कोलियोप्टेरा। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो ये वाइट कलर का होता है एग, उसका राउंड होता है, लार्वा जो है वो सी शेप का होता है, बिल्कुल पिक्यूलर सी शेप्ड लार्वा जो है वो आपको दिखाई देता है, हम आगे की फोटोग्राफ्स में देखेंगे। एडल्ट जो है वो डार्क ब्राउन कलर के बीटल्स होते हैं। और सिम्टम्स की अगर हम लोग बात करें तो रूट्स पे फीड करता है, ये रूट्स पे फीड करता है, पॉट्स को डैमेज करता है और जो ग्रब हैं वो रूटलेट्स को फीड करते हैं। तो प्लांट में जो है विल्टिंग आ जाती है और विल्टिंग के बाद जो है प्लांट सूख जाता है, उसके बाद उसका डेथ हो जाता है। ये देखिए रूट में सॉइल में अटैक करने का जो सिम्टम है वो, और दूसरा जो फोटोग्राफ है वो सी शेप्ड लार्वा को शो कर रहा है, जो पिक्यूलरली जो है वो सी शेप में दिखाई देता है वाइट ग्रब का लार्वा, और ये एग हैं और ये वाइट ग्रब के फोटोग्राफ्स हैं। लाइफ साइकिल्स की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा दूसरे जो भी वो हैं
टू सेक्टर से डिफरेंट होता है, एक जनरेशन भी हो सकती है एक साल में। ये हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है कि एडल्ट जो है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है नवंबर के आखिरी तक और प्यूपल सेल में चला जाता है, और एडल्ट जो है वो हाइबरनेट मतलब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दो टर्म है। हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप और एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। हाइबरनेशन जब ठंडी ज़्यादा होती है, नवंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठंडी ज़्यादा होती है तो वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है जिसको हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं। और कब जो है वो बाहर आएगा, जब पानी गिरेगा, जब बरसात होगी तब तक वो जो है हाइबरनेशन कंडीशन में रहता है। फिर जैसे ही एडल्ट जो है वो बाहर आता है, उसके बाद प्यूपल सेल से जब वो बाहर आता है मानसून के फर्स्ट ऑनसेट ऑफ मानसून में, तो फिर वो लीव्स को खाने लगता है, चाहे वो नीम के हो, ड्रमस्टिक के हो, सुबबुल के हो, और फिर जो है सिंगली एग लेइंग करना चालू करता है, सॉइल में चला जाता है। और तो ये याद रखिएगा, वाइट ग्रब जो है वो सॉइल में एग लेइंग करता है, सिंगली एग लेइंग करता है, और अप्रैल और जुलाई के दौरान जो है वो करता है 12 से 15 सेंटीमीटर गड्ढा खोद के वहाँ सॉइल में वो अंडे देता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका 8 to 13 डेज होता है, और बीटल्स जो है वो एक्टिव हो जाते हैं मई से जुलाई के बीच में, और फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में फिर से डिसअपीयर हो जाते हैं। अपॉन हैचिंग ग्रब फीड्स ऑन नोड्यूल्स, नोड्यूल्स में फीड करेगा, फाइन रूट्स में फीड करेगा जब वो ग्रब बन जाएगा तो, और उसके बाद जब फुल ग्रोन हो जाता है सेप्टेम्बर के एंड तक, फिर डीप सॉइल में चला जाता है। क्यूबेशन होगा अर्थन कोकून में और 7 to 10 डेज लगेंगे उसको, और एडल्ट जो है वो फुली डेवलप हो जाता है एंड ऑफ द नवंबर में। और फिर से हम शुरू में ही बात कर चुके हैं कि नवंबर में जो है वो हाइबरनेट हो जाता है प्यूपल सेल के अंदर ही और बाहर नहीं निकलता है, इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में साल भर लग जाते हैं। इसलिए एक जनरेशन जो है, एक साल में एक ही जनरेशन जो है वाइट ग्रब की निकल पाती है, हो पाती है। टोटल लाइफ साइकिल जो है वो 170 एग से लेके एडल्ट बनने में 171 डेज लग जाते हैं, और पूरा जनरेशन कम्प्लीट करने में एक साल लग जाती है। तो ये जो लाइफ साइकिल है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंसेक्ट। वाइट ग्रब इज क्वाइटली, द लाइफ साइकिल ऑफ वाइट ग्रब इज क्वाइटली डिफरेंट फ्रॉम अनदर इंसेक्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर हम लोग अगर मैनेजमेंट की बात करें तो डीप प्लाउ करना चाहिए ताकि हम लोग जो ग्रब्स हैं वो एक्सपोज कर लें, और चूँकि सॉइल में एग नहीं करेगा तो एग भी जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम लोग डीप प्लाउइंग करके, और ग्रब्स भी जो है रूट्स में अटैक कर रहे हैं तो वो भी मिट्टी के नीचे ही होंगे सॉइल में, वहाँ पे भी हम लोग उसको डीप प्लाउइंग करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन हमको यूज़ करना चाहिए, और एडिक्वेट इरीगेशन हमको देना चाहिए, लाइट चेक्स लगा के मॉनिटरिंग करना चाहिए, या फिर हम कुछ जो हैं इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ग्रैनुलर इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कार्बोफ्यूरॉन फोरेट, या फिर दूसरा इंसेक्टिसाइड्स है क्लोरपाइरीफॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जिससे हम लोग वाइट ग्रब को मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।